जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य को, पूरे गुप्त वंश को हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले वीडियोस को प्यार दिया है, उसी तरह से साथ देते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, बात करेंगे हम लोग गुप्त वंश के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल का पार्ट टू देखा था, जिसमें हम लोगों ने विदेशी शासकों के बारे में देखा था। उसका जो अंतिम शासक था वह कुषाण वंश था, और कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी और अंतिम शासक हुआ वह कौन सा था, तो कनिष्क था। कनिष्क के बारे में हम लोगों ने डीपली जाना था। ये वही कनिष्क है जिसने बौद्ध धर्म की चौथी संगीतियां करवाई थी, और साथ ही साथ इसने शक संवत भी चलाया था। तो यह जो गुप्त साम्राज्य आता है, तो जो गुप्त शासक होते हैं यह पहले कुषाणों के ही सामंत रहते हैं। सामंत क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो एक मुख्य राजा हो अर्थात शासक हो, उसके अंडर में शासन करने वाला व्यक्ति सामंत कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से यूपीएससी की हिंदी माध्यम से पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। अगर आप लोग इस लाभ को लेना चाहते हैं और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उनका नोट्स आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि यहां से आप लोगों को नोट्स भी बनवाया जाता है और स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी सबको मिक्स करके कंटेंट दिया जाता है, जिससे आप लोगों का टाइम भी बच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं कि गुप्त साम्राज्य का उद्भव कहां से हुआ। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो गुप्त साम्राज्य है, इसके जो पहले शासक आया था, गुप्त साम्राज्य का जो पहला शासक था जिसका नाम था श्रीगुप्त, वह कुषाणों का सामंत हुआ करता था। कुषाण शासकों के अंडर में वह काम करता था। तो यह एक तरह से सामंत थे शुरुआती दौर में, जब इसकी स्थापना होती है। ठीक, किसने किया, श्रीगुप्त ने किया। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम होता है, लेकिन इस वंश की नींव जिसने डाली उसका नाम था श्रीगुप्त, जिसने 240 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो इनके जातियों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद रहा है इतिहासकारों में, कि ये कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह शूद्र थे, कुछ इतिहासकारों का कहना था कि ये वैश्य से बिलोंग करते थे, लेकिन ज्यादातर मान्यता वैश्य को ही प्रदान की गई है। ठीक, तो इनकी जाति हो गई वैश्य और यह कुषाणों के सामंत थे। साथ ही साथ इन्होंने अपना जो प्रारंभिक शासन प्रणाली शुरू की वह उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ छोटे से क्षेत्रों से इन्होंने शुरू किया था। अब हम लोग आते हैं इनके बारे में, हमें जानकारी कहां से मिली अर्थात स्रोत कौन कौन से हैं जो हमें गुप्त वंश या फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जब तक मैं ना बोलूं तब तक पेन और कॉपी आप लोग बंद करके सिर्फ मेरी बातों को सुनिए, और मैं इस चीज की पूरी तरह से गारंटी ले रहा हूं कि मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। जब तक मैं ना बोलूं आपको लिखना नहीं है। ठीक, चलिए जानकारी के स्रोत पर आते हैं। पिछले वीडियो से ही रिलेट करेंगे इसे भी, जैसे हम लोग हर वीडियो में देखते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। एक साहित्यिक स्रोत होते हैं और एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत में रचनाएं आती हैं और पुरातात्विक स्रोत में हमें जैसे अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, चित्रकला वगैरह हो गया। तो इसमें भी हम लोग दो चीजों को देखेंगे। पहला आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के तहत हम लोग देखेंगे कि जो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इससे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र से भी जानकारी मिलती है। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम से भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और कालिदास की भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमें इन सब के बारे में बहुत ही डीपली नॉलेज देती है। साहित्यिक स्रोत के तहत सिर्फ इन्हीं तीन चार लोगों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो लेख थे, लेख अर्थात शिलालेख भी बोल सकते हैं अभिलेख, उसमें दो प्रशस्तियां बहुत फेमस हैं। एक है प्रयाग प्रशस्ति और दूसरा है एरण अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें हरिसेन, जो स्कंदगुप्त का समुद्रगुप्त का दरबारी कवि रहा करता था, उसने क्या किया था, उसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बात की थी और पूरे गुप्त साम्राज्य के वंशावली के बारे में भी उसने वहां पर वर्णन किया है कि सबसे पहले कौन शासक बना और सबसे बाद में कौन बना, बीच में कौन से शासक कैसे आए, अर्थात उनके क्रम के बारे में हरिसेन ने बताया है। जो एरण अभिलेख है उसे भानुगुप्त ने लिखवाया था, जो इसी का अगर हम लोग देखें तो जैसे ही स्कंदगुप्त का शासन खत्म होता है तो उसके बाद इस साम्राज्य का विघटन होने लगता है। तो स्कंदगुप्त के बाद दो शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो पहला है 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त,
और लास्ट में आता है 550 ईसा पूर्व में विष्णुगुप्त, जो गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है। अभी मैं सारे शासकों को क्रमवार आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक। तो एरण अभिलेख किसने लिखवाया? भानुगुप्त ने लिखवाया। उससे हमें किसके बारे में पता चलता है? पहली बार सती प्रथा के बारे में हमें अगर पता लगता है इतिहास में, तो भानुगुप्त द्वारा लिखवाए गए एरण अभिलेख से हमें पता चलता है। तो ये दो अभिलेख हो गए। उसके बाद आते हैं सिक्के। सिक्के पर अगर आप लोगों को पता होगा तो जो समुद्रगुप्त था, यह बहुत ज्यादा कला प्रेमी था, इसे कविराज भी कहा जाता था, और यह बहुत अच्छा वीणा वादक था। तो सोने के सिक्के पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे कला के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि सोने के जो सिक्के थे उसे सबसे पहले तो हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था, फिर उसके बाद कुषाणों ने चलाया था। जो सबसे शुद्ध सिक्के चलाए थे वो कुषाण थे, सोने का शुद्ध सिक्का। लेकिन जो गुप्त संवत है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गए, अर्थात इससे अर्थव्यवस्था के बारे में भी पता लगता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक थी, तभी सोने के सिक्के चलाए गए। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के जो सिक्के थे वो विदेशों में भी पाए गए, तो इससे पता लगता है कि इनका जो व्यापार था वह विदेशों तक भी फैला हुआ था। तो इस तरह थे तीन स्रोत हमें मिले, साहित्यिक और पुरातात्विक और सिक्के। इनके माध्यम से हमें इन सभी शासकों की प्रणालियों के बारे में पता लगता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये कौन कौन शासक इसमें आए जो प्रतापी थे। तो सबसे पहले आता है कौन? श्रीगुप्त। अब देखिए यहीं से आप लोग समझिए कि इस वीडियो में हम लोग किन किन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पूरे गुप्त साम्राज्य के शासकों को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट का होगा, लेकिन चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला शासक श्रीगुप्त आता है, फिर उसका पुत्र घटोत्कच आएगा, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा आएगा समुद्रगुप्त, उसका बेटा आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद कुमारगुप्त आएगा, कुमारगुप्त के बाद हम लोग स्कंदगुप्त को पढ़ेंगे, फिर भानुगुप्त, फिर विष्णुगुप्त। कुल 9 शासकों के बारे में आज हम लोग डीपली जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह इंट्रोडक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों का बेस स्ट्रांग हो गया होगा कि हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। अब चलते हैं बोर्ड पर और लिखना शुरू करते हैं। परिचय मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था। परिचय बहुत सिंपल है। यह क्या थे? कुषाणों के सामंत थे और वैश्य जाति से बिलोंग करते थे, और अपने शासन का प्रारंभ इन्होंने यूपी और बिहार से किया था। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इनके स्रोत के बारे में, ठीक। जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जो सबसे पहला स्रोत निकल के आया वह है साहित्यिक। अब यहां से आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए मेरे साथ। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहला कौन है? मैंने आप लोगों को बताया विशाख दत्त की रचना। देखिए आज भी मैं बोर्ड पर वैसे ही लिखूंगा, लास्ट तक लिखना है तो छोटे छोटे वर्ड में लिखूंगा, जिससे कि पूरा का पूरा एक ही बार में आप लोग वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट लेकर और अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, यह किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की है। साहित्यिक स्रोतों में हमें ये चीजें देखनी है। दूसरा आता है शूद्रक की मृच्छकटिकम, उसके बाद वात्स्यायन का कामसूत्र, ये मैच करने के लिए आता है। वात्स्यायन यूपीएससी में प्रीलिम्स में देता है मैच करने के लिए, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। वात्स्यायन की रचना कौन सी है? तो वह है कामसूत्र, ठीक। और इसके बाद आप लोग ऐसे करके यहां लिख सकते हैं कालिदास की रचनाएं। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं, मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो ये जो कालिदास थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या होता था कि 9 रत्न रहा करते थे, उनमें से एक थे कालिदास और धन्वंतरी भी उसी में रहते थे। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं तो वह गुप्त वंश से रिलेटेड ही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसके शासक। अच्छा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने देखा था तो मैंने लास्ट में 4 रचनाएं बताई थी आप लोगों को, उसमें मैंने बुद्ध चरित्र के बारे में भी बताया था। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो थे वो मैंने गलती से बता दिया था स्थूलभद्र, लेकिन उसके जो वास्तविक रचनाकार हैं वह अश्वघोष हैं।
एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था तो मुझे थोड़ी खुशी मिली थी। तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए, क्योंकि उसके पहले के वीडियोज में मैं बता चुका हूं कि बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष ने की थी, लेकिन पिछले वीडियो में वीडियो एंड होने वाला था तो थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में आई थिंक मैं, मेरी मिस्टेक थी, उसके लिए मैं अपोलोजाइज भी हूं आप लोगों से कि मुझसे गलती हुई थी, मैंने अश्व घोष को स्थूल भद्र लिख दिया था। तो आप लोग अपने नोट्स में अगर नोट्स बनाए हैं तो उसे कट करके लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन रचनाओं पर जरूर ध्यान दिया करिए। अब हम लोग आते हैं, साहित्यिक स्रोत हो गया, उसके बाद आता है लेख। लेख अर्थात शिला लेख या फिर कोई भी लेख आप लोग इसमें ले सकते हैं, अभिलेख भी। पहला है प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति का जो इतिहास है ना थोड़ा पुराना है। मैं हरिसेन यहां क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यह गुप्त वंश के बारे में उस प्रयाग प्रशस्ति में लिखते हैं चीजें। प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था कौशाम्बी में, अभी मैं आगे पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा इसे, ठीक है। और ये जो हरिसेन थे यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में इसमें लिखा है प्रयाग प्रशस्ति में और वंशावली के बारे में। उसके बाद अकबर के बारे में भी इस पर वर्णन मिलता है, बीरबल के बारे में भी और जहांगीर के बारे में भी। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में यह प्रयागराज में जो प्रयागराज का किला है जिसे इलाहाबाद फोर्ट बोलते हैं, अकबर द्वारा बनवाया गया है, उसमें इस प्रयाग प्रशस्ति को रखा गया है। पहले है कौशाम्बी में थी, अभी मैं आगे बात करूंगा, ठीक। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की, इससे किस बारे में पता लगता है तो वंशावली और समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। दूसरा आता है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, अब ये एरण अभिलेख किसने लिखवाया, तो यह शासक है भानुगुप्त। मैंने यहां पर समुद्रगुप्त इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण समुद्रगुप्त ने नहीं करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था। मान लीजिए यह प्रशस्ति है इस तरह से, तो इसमें समुद्रगुप्त ने चीजें लिखवाई, सॉरी सम्राट अशोक ने, इतनी जगह खाली बची, इसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिख दिया, इतने में अकबर ने अपने बारे में लिख दिया, इसमें जहांगीर, इसमें बीरबल, इस तरह से रचनाएं हुई हैं उस पर, वह की एक ही प्रशस्ति है, ठीक। तो निर्माणकर्ता हम लोग इसे सम्राट अशोक ही बोलेंगे, ना कि स्कंदगुप्त। ये जो भानुगुप्त का एरा अभिलेख है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया, इससे पहली बार सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। इसमें बताया गया है अभिलेख के माध्यम से कि सती प्रथा इस समय चल रही थी, अर्थात अगर योद्धा युद्ध में मारा जाता है तो उसकी पत्नी भी उसके साथ चिता में जल जाती थी, ठीक है। तो यह हो गया, अब आगे बढ़े हम लोग। तो सिक्का या फिर मुद्रा, इससे हमें तीन चीजों के बारे में पता लगता है, क्या कि वहां की कला क्या थी, वहां का आर्थिक व्यापार वहां का कैसा था या आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और विदेशी व्यापार, ठीक। कला का पता कैसे चलता है हमें, क्यों, क्योंकि जो समुद्रगुप्त था, मैंने अभी आप लोगों को बताया, सोने के सिक्के पर, स्वर्ण सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अर्थव्यवस्था के बारे में पता कैसे लगा, क्योंकि इतिहास में आप सबको पता है कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलाने वाले गुप्त वंश के शासक थे। विदेशी व्यापार के बारे में पता कैसे लगा, क्योंकि यहां के सिक्के विदेशों में पाए गए तत्कालीन समय के, ठीक। चलिए अब हो गया हमारा यहां स्रोत, इसके बाद आते हैं शासक। शासकों के बारे में अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो पहला शासक आता है उसका नाम क्या है, श्रीगुप्त, और इसका जो टाइम पीरियड है वह है 240 से लेकर 280 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं है, इसलिए मैं यहां पर बीसी नहीं लिख रहा हूं, यह एबी है, ठीक, ईस्वी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट नहीं है, इसने सिर्फ स्थापना की थी और इसके द्वारा कुछ बदलाव किए गए थे, तो वह क्या थे कि यह सामंत था, तो सामंती व्यवस्था लाया था। सामंती व्यवस्था का मतलब यह है कि शासक के अंडर में यह शासन करता था। मैंने आप लोगों को बताया कि यह किसका सामंत था, कुषाणों का सामंत था, उनके अंडर में यह काम करता था, लेकिन इसने स्थापना कर दी थी उत्तर प्रदेश और बिहार में। उसके बाद दूसरा शासक आता है, ऊपर के दो शासक बस ऐसे नॉर्मल ही है, दूसरे का नाम है
घटोत्कच, इसका टाइम पीरियड जो है 280 से लेकर 319 ईस्वी तक है। इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसने एक बदलाव किया था। वह बदलाव कौन सा था? तो इसने महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि। बेसिकली उस समय महाराज सामंतों को ही कहा जाता था, लेकिन इसने महाराज की उपाधि भी धारण कर ली थी। अब हम लोग यहां पर आएंगे और यहां से देखेंगे इसके प्रतापी शासकों के बारे में। तो ये तीन कितने हो गए, पहला और दूसरा शासक हो गया। अब आते हैं तीसरे शासक पर, जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 319 से 335 है, सॉरी 335 ईस्वी। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। जो चंद्रगुप्त प्रथम था, यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर क्या है? संस्थापक वे होते हैं जो इस वंश की या फिर इस साम्राज्य की नींव डालते हैं, और वास्तविक संस्थापक उन्हें बोला जाता है जहां से शासन प्रणाली सही तरीके से सुचारू रूप से चलने लगे और राजा का महत्व बढ़ जाए। ये पहले सामंत ही हुआ करते थे, तो इनका महत्व उतना नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त जब शासक बनता है, चंद्रगुप्त प्रथम, तो वह क्या करता है कि अपनी प्रशासनिक स्थिति को सुधारता है। ठीक, उसके बाद यह क्या करता है, गुप्त संवत भी चलाता है। 319 ईस्वी में जब यह शासक बनता है, तो इसने गुप्त संवत भी शुरू किया था। तो यह चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से यह विवाह करता है, और बाद में आगे चल के क्या करता है, यह अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सत्ता सौंप कर यह संन्यास ग्रहण कर लेता है। तो इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए। सबसे पहले, यह वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था। दूसरा क्या था, गुप्त संवत चलाया था। कब? 319 ईस्वी में। उपाधि इसकी कौन सी थी? महाराजाधिराज, महाराजा धीराज। विवाह यह किससे करता है? देखिए, यह पॉइंट जो मैं बोल देता हूं आप लोगों से, वही नोट डाउन भी करता हूं। विवाह करता है लिच्छवी की राजकुमारी। यह लिच्छवी एक क्या है, साम्राज्य है, यहां की राजकुमारी कम जगह की वजह से मैं लिख रहा हूं। विवाह करता है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, कुमार देवी के साथ विवाह करता है, और दहेज में यह क्या करता है, वैशाली प्रांत को प्राप्त कर लेता है। यह चीज आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ी होगी, बिंबिसार के बारे में भी पढ़ी होगी। तो यह विवाह के माध्यम से अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, अंततः यह क्या करता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है और शासक बना देता है अपने पुत्र समुद्रगुप्त को। ठीक, तो चौथा शासक आता है समुद्रगुप्त। बहुत ही नॉर्मल है, मेरे साथ पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आप लोगों को इतनी इजी लगेगी कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बस मेरी बातों को सुनते रहिए। टाइम पीरियड इसका 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। ठीक है, यह कौन है, समुद्रगुप्त है। किसका पुत्र है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का। ऐसे थोड़ा पॉइंट बना लीजिएगा, देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, जिससे कि आप लोगों का पढ़ने में भी मन लगे। चलिए, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक होता है कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। वह क्या करता है, तो उसने गुप्त संवत चलाया था बस, और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है। इतने पॉइंट उससे रिलेटेड थे। उसके बाद इसका पुत्र आता है जिसका नाम समुद्रगुप्त है। तो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वह समुद्रगुप्त था। क्यों? क्योंकि विंसेंट स्मिथ, यह नाम याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था।
नेपोलियन क्यों कहा था? क्योंकि इसने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से किया। इसने आर्यावर्त के कुल 9 शासकों को पराजित किया और दक्षिण भारत के कुल 12 शासकों को पराजित किया, और इसी का उल्लेख हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति में करता है। उसी को पढ़ने के बाद विंसेंट स्मिथ, जो एक इतिहासकार है, उसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। कई बार प्रश्न बना है यह, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसके बारे में देखें, यह कला प्रेमी था। मैंने आप लोगों को बताया स्वर्ण सिक्के चलते थे, स्वर्ण सिक्कों पर इसने क्या किया था, अपने आप को वीणा बजाते हुए प्रदर्शित करवाया था, और इसे कविराज भी बोला जाता था। तो इतने पॉइंट इससे रिलेटेड है कि यह सबसे प्रतापी शासक हुआ। विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। प्रयाग प्रशस्ति में इसके विजयों के बारे में वर्णन है, हरिसेन ने वर्णन किया, इसके दरबारी कवि थे। और इसी के दरबार में मैंने आप लोगों को कई सारी चीजें बताई है समुद्रगुप्त से रिलेटेड। चलिए अब नोट डाउन करेंगे, ठीक। कला प्रेमी है, कविराज है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अब हम लोग यही वर्णन करेंगे। आइए नोट डाउन करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इंपॉर्टेंट इनसे भी। देखिए सबसे पहले तो यहां सबसे प्रतापी शासक था कहां का, गुप्त वंश का, ऐसा नहीं कि पूरे इतिहास में सबसे प्रतापी था। उसके बाद विंसेंट स्मिथ इसे भारत का नेपोलियन कहता है। क्या? भारत का नेपोलियन कहता है किसे? समुद्रगुप्त को। अब आगे बढ़ें तो यह कला प्रेमी था। क्या था? कला प्रेमी था, और उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि स्वर्ण सिक्के पर इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसे कविराज भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि यह अच्छी कविताएं भी कहता था, ठीक, और कवियों को संरक्षण भी देता था। अगर आप लोग देखें तो भानुगुप्त नाम का एक भिक्षु था, जो बौद्ध धर्म का भिक्षु था, उसे इसने संरक्षण दिया था। तो अगर हम लोग देखें ओरली रूप में, तो बेसिकली जो गुप्त वंश के शासक रहे हैं, पूरा गुप्त साम्राज्य शैव धर्म को मानता था, ये शिव के उपासक थे, लेकिन अन्य धर्मों में भी इनका योगदान रहता था, सबको सपोर्ट करते थे। जैसे अभी आप लोग देखेंगे, यही पर एग्जाम्पल आपको मिल गया, समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया। आगे चल के देखेंगे कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाता है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तो ये जो थे गुप्त शासक थे, तो ये लोग शैव धर्म को मानने वाले, लेकिन इन्होंने किसी भी धर्म की आलोचना नहीं की है, सबको सपोर्ट करते आए हैं। लास्ट में आप लोग देखेंगे स्कंदगुप्त सुदर्शन झील का भी पुनर्निर्माण करवाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। चलिए, कला प्रेमी था, इसे कविराज कहा जाता था। यहां लिख लीजिए बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण, ठीक है। अब यहां से आप लोग एक हेडिंग बना लीजिएगा प्रयाग प्रशस्ति की, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में थोड़ा आप लोग जान लें। इसका जो निर्माण था, किसका? प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया, निर्माण अशोक ने कहां पर करवाया? तो कौसाम्बी में, ठीक है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताया। कौन कौन सी? 9 उत्तर भारत अर्थात आर्यावर्त में विजय, और 12 दक्षिण भारत में विजयों के बारे में, और वंशावली। यह हरिसेन बताता है किस अभिलेख में? तो प्रयाग प्रशस्ति में बताता है। यह आप लोग याद रखिएगा, मैंने छोटा लिखा है। कई बार प्रश्न बना है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 9, दक्षिण भारत के 12। तो ये ऐसे आप लोग याद रखेंगे, 9, 2, 11, 21 शासकों को इसने पराजित किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
इसी प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। क्या होता है आगे चल के अकबर इस प्रशस्ति को इलाहाबाद ले आया। कहां? इलाहाबाद ले गया, जिसे प्रयागराज बोलते हैं। अब अगर प्रश्न बने कि प्रयाग प्रशस्ति में कुल कितने लोगों के बारे में बात की गई है, तो चार लोगों के बारे में, पांच लोगों में। पहला कौन है? अशोक, उसके बाद स्कंदगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त, भूल गया मैं, ये समुद्रगुप्त है। देखिए ये प्रश्न बनते हैं इसलिए मिस्टेक आपको नहीं करना है। समुद्रगुप्त, उसके बाद अकबर। कई बार प्रश्न बना है कि निम्न में से किस शासक या किस व्यक्ति के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन नहीं किया गया है, तो इतने शासकों को अगर जान लेंगे कि जिनके बारे में किया गया है तो नहीं किया गया है, आपको पता लग जाएगा। अकबर, बीरबल और जहांगीर। जहांगीर के बारे में भी बात की गई, तो कुल कितने हुए? एक, दो, तीन, चार और पांच। जहांगीर को आप लोग नीचे लिख लीजिए, अगर आप लोगों को दिख रहा हूं मैं बोल रहा हूं जहांगीर। कुल पांच शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये हो गए कहां के? गुप्त साम्राज्य के कुल चार प्रतापी शासक। अब आपको दो तीन प्रतापी शासक और मिलेंगे और उसके बाद हो जाएगा गुप्त वंश का विनाश। क्या ये चीजें आप लोगों के समझ में आ रही हैं? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और हाँ, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अभी वीडियो के लास्ट में मैं वैसे भी बताने वाला हूं क्योंकि स्कंदगुप्त इसका पुनर्निर्माण करवाता है, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से सिर्फ ये पता करने के लिए कि कितने लोग सीरियस होकर वीडियो लास्ट तक देखते हैं। अगर आप लोगों का रिप्लाई आया तभी मैं समझूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। तो आपका प्रश्न यही है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, मरम्मत किसने करवाया वो नहीं बताना है आपको, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को हम लोगों ने देखा, उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, पांचवा शासक। चंद्रगुप्त सेकेंड, टाइम पीरियड इसका कहां खत्म हुआ? 75 में। तो उठा लेते हैं 75 से और ले जाते हैं 415 तक। अपने मर्जी से नहीं ले जा रहा हूं, यह हिस्ट्री में लिखा है, ठीक है? याद करने की ट्रिक है, आप लोग भी याद करिए, मैंने कई बार बोला है। अब चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का एक ऐसा शासक है जिसने क्या किया था, शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसी ने क्या किया था, शक संवत चलाया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना कि उज्जैन का एक शासक था जो स्थानीय शासक था, उसने शक संवत चलाया था। टाइम को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, टाइम उसका वही है, 78 ईस्वी, ठीक है, सॉरी 58 ईसा पूर्व बताया जाता है कहीं कहीं पर, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है 375 से 415 ईस्वी है, ठीक है? तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि इसने शकों को पराजित किया और इसी ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे गुप्त साम्राज्य में, क्योंकि यहां सोने के सिक्के चलते थे लेकिन इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए। और इसी के दरबार में नौ रत्न रहते थे जिनमें से आपको कालिदास, धन्वंतरी, इस तरह के कुल नौ रत्नों के बारे में पता चला है। अब सर ये नौ रत्न होते क्या है? रत्न का मतलब यह थोड़ी है कि जो गले में पहनते हैं मुद्राएं, मोतियां। नौ रत्न का मतलब यह है कि नौ ऐसे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र विशेष में निपुण हो, उन्हें नौ रत्न कहा गया। और ऐसे नौ लोग थे, कालिदास भी उसी में थे, ठीक। चलिए उसके बाद इसने क्या किया था, मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगर आप लोग दिल्ली घूमने गए हो कभी तो दिल्ली में एक बार आप लोग मेहरौली जरूर जाइएगा, जहां पर लौह स्तंभ रखा गया है, आज तक उसमें जंग नहीं लगी है। और जो कुतुब मीनार बना है उसी के परिसर में है यह, तो जाके आप लोग वहां घूम सकते हैं, ठीक। वहीं पर आपको इल्तुतमिश का मकबरा मिल जाएगा, अलाउद्दीन का मकबरा मिल जाएगा और एक मस्जिद भी मिल जाएगी, कुव्वत उल इस्लाम ऐसे करके मस्जिद है। तो उसी परिसर में मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण इसने करवाया है। कई बार आपको मिलता है कि मेहरौली लौह स्तंभ का जो निर्माण है किसने करवाया है, संदिग्ध है, लेकिन उस पर जो लेख लिखा गया है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त नाम के एक शासक का वर्णन किया गया है। तो कुछ लोग
चंद्रगुप्त मौर्य से भी उसका अनुमान लगाते हैं, लेकिन बेसिकली यह प्रूफ हुआ है कि इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात की गई। देखिए, तीन चंद्रगुप्त आप लोगों ने पढ़ा है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। दूसरा चंद्रगुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसमें मौर्य नहीं लगा है, चंद्रगुप्त प्रथम। यह कौन था? तो यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ। और चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसने शकों को पराजित किया था। ठीक, चलिए लिखते हैं। क्या करता है यह? शकों पर विजय। ठीक, विक्रमादित्य की उपाधि। प्रश्न बना है कि निम्न में से कौन सा शासक विक्रमादित्य की उपाधि लिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, चांदी के सिक्के, कहां के? चांदी के सिक्के चलाया, क्योंकि इस समय सोने के सिक्के चलते थे, तो गुप्त वंश में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त ने चलाया था। उसके बाद नवरत्न भी इसी के दरबार में रहा करते थे, और उनमें कालिदास, महाकवि कालिदास और धन्वंतरी प्रमुख थे। इस तरह से नौ लोग थे जिन्हें यह नौ रत्न कहा करता था। ठीक है, उसके बाद एक चीनी यात्री आता है। चीनी यात्री फाहयान, और हर्ष के दरबार में कौन आया था? तो वह वेनसांग आया था। ठीक है, फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है और यहां अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है। फो की, कितना खतरनाक नाम है यार, चीनी यात्री फाहयान, जिसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है फो की, उसमें इसने किसके बारे में वर्णन किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में वर्णन किया है। ठीक, और इसी ने क्या किया? मेहरौली लौह स्तंभ, मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण, मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण करता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद आता है छठवां शासक, जिसका नाम है कुमारगुप्त। कौन? कुमारगुप्त। इसका टाइम पीरियड 415 से लेकर 455 ईस्वी तक माना जाता है। अब यहां से बनता है इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो कुमारगुप्त था, इसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से रिलेटेड है? आप सबको पता है, वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हां, एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था? देखिए, दूसरा प्रश्न है इस वीडियो का। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, बौद्ध धर्म को आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा होगा, उसमें मैंने बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था, उसे किसी शासक ने, एक आक्रांता शासक था, जिसने जला दिया था। तो उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न मेरा यह था, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, और दूसरा प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था, जलाया किसने था उसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के समय एक और विशेष काम होता है। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण के साथ साथ ही भारत में हूणों का आक्रमण होता है। अब हूण कौन है सर? हूण एक बर्बर जनजाति थी, जैसे आप लोग डकैत बोल सकते हैं या फिर डाकू बोल सकते हैं, वो लूटने आते थे। तो हूणों ने बहुत जबरदस्त आक्रमण किया था कुमारगुप्त के शासनकाल में। पता कैसे लगा सर कि हूणों ने आक्रमण किया था? तो एक भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख है, उसमें यह वर्णन किया गया है कि गुप्त वंश में कुमारगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था। तो कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा हूणों को पराजित करने के लिए। अंततः स्कंदगुप्त हूणों पर विजय प्राप्त करता है और वह बनता है क्या? सम्राट। कौन से नंबर का? तो सातवें नंबर का बनेगा। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं यार, याद हो जानी चाहिए चीजें। आप लोगों के कॉमेंट्स सिर्फ इतने ही आते हैं, थैंक यू सर, पता नहीं वीडियो देखते हैं कि नहीं। थोड़ा बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया करिए आप लोग, मेरा भी मन लगे, क्योंकि मैं
इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ आप लोगों की क्लास लेता हूँ, और पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, हो कम ही लेकिन यार सही तरीके से रहिए ना आप सब, बढ़िया लगता है मुझे भी। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जोक सपाट था, ठीक है, सीरियस मत रहना आप लोग। कुमार गुप्त के बारे में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय, अपने जमाने का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था तक्षशिला और नालंदा, तो इसे याद रखिएगा, का निर्माण करवाता है कुमार गुप्त। प्रश्न बनाएगी नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो कुमार गुप्त ने। इसी के शासन काल में हूणों का आक्रमण होता है, किसका, हूणों का आक्रमण, हूण कौन थे, तो ये बर्बर जनजाति थी जो मध्य एशिया से आई हुई थी, ठीक, और इनको पराजित करने के लिए वह किसे भेजता है, तो स्कंदगुप्त को, और अंततः स्कंदगुप्त इसमें विजय भी प्राप्त करता है। तो इतने पॉइंट थे, नालंदा विश्वविद्यालय किससे रिलेटेड है, तो वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। चलिए सातवें शासक के बारे में, अब हम लोगों का वीडियो एंड भी होने वाला है, बोर्ड भी खत्म होने वाला है, ठीक, अब कुछ नहीं लिखना है, दो दो पॉइंट लिखना है बस। आते हैं स्कंदगुप्त पर, ईसवी से 467 ईसवी तक शासन करता है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। यह क्या करता है, बस एक ही बड़ा काम करता है कि यह हूणों को पराजित कर देता है, और इसी के बाद गुप्त साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मजबूत शासन प्रणाली नहीं बचती है, अर्थव्यवस्था उतनी सही नहीं बचती है, और प्रशासन भी सही तरीके से नहीं चलता है। इस वजह से देखिए, किसी भी साम्राज्य का जब विघटन होता है, उसके दो तीन कारण ही होते हैं, अगर शासक कमजोर हो जाए, प्रशासन व्यवस्था कमजोर हो जाए, और अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, उसका जो कोष है मुद्रा का वह कम हो जाए। तो ये सारी चीजें घटित होती हैं स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, तो यहीं से इसका विघटन भी शुरू हो जाता है। लास्ट के दो शासक हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो वीडियो में रहिएगा। चलिए, हूणों पर यह विजय प्राप्त करता है, हूणों पर विजय। अब यहीं से अगर मैं प्रश्न बना दूं यूपीएससी लेवल का, निम्न में से किस शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की, आप लोग बता देंगे, मैंने तुरंत बताया स्कंदगुप्त ने। शकों पर विजय किसने प्राप्त की थी, सोचना पड़ेगा आपको, जबकि यहीं पर मैंने बताया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक, दो प्रश्न कंफ्यूजन यहां क्रिएट करते हैं, शकों पर विजय कौन प्राप्त करता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन हूणों पर विजय कौन प्राप्त करता है, तो वह आपको मिलेगा स्कंदगुप्त, ठीक। हूणों पर विजय और साम्राज्य का विलय, साम्राज्य का विनाश प्रारंभ, धीरे धीरे प्रशासन व्यवस्था कमजोर होती है और साम्राज्य का विनाश होने लग जाता है। इसके बाद एक शासक आता है जिसे हम लोग, देखिए क्रम से तो यह नौवां शासक नहीं है, क्योंकि इसका नाम है भानुगुप्त, जिसने एरण अभिलेख लिखवाया था, उसके माध्यम से भानुगुप्त के बारे में पता लगता है, जिसका टाइम पीरियड 510 ईस्वी है। लेकिन क्या 467 से लेकर 510 ईस्वी तक कोई शासक नहीं हुआ, हुए होंगे, लेकिन उनके बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, कुछ है भी तो पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, उन्हें ही पढ़ना है जिनसे इंपॉर्टेंट है। तो क्रम के तौर पर ये सात क्रम से हम लोगों ने देखा, उसके बाद आठवां शासक जो हम लोग देख रहे हैं, यह क्रम से आठवां नहीं है, लेकिन इस वीडियो का आठवां है, जिसका नाम क्या था, भानुगुप्त। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि यह 510 ईस्वी में शासन करता था भारत पर, और इससे उपलब्धि हमें क्या मिली, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। देखिए हूणों का आक्रमण, भीतरी अभिलेख या भीतरी गुहा लेख उसे कहते हैं, उससे पता चलता है, जो कुमारगुप्त के समय का था, तो उसे आप लोग यहां नोट डाउन कर लेंगे, मैं भूल गया हूं लिखना। तो तीन चार अभिलेख भी हम लोग आज देख चुके हैं, एरण अभिलेख, इससे देखिए आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, आप लोगों का उसके लिए कभी कमेंट्स नहीं आया है, लेकिन मुझे पता है उसकी इंपॉर्टेंस, अगर आप लोग कहेंगे तो एंशियंट खत्म करके हम लोग एक बार आर्ट एंड कल्चर शुरू कर देंगे, अन्यथा अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग मध्यकालीन भारत शुरू कर देंगे, ठीक, क्योंकि वो भी क्लास लेनी है। एरण अभिलेख का पता चलता है कि भानुगुप्त ने इसे लिखवाया था, और इसमें पहली बार सती प्रथा, किसका,
सती प्रथा का वर्णन मिलता है। कहां से? अभिलेखीय तौर पर सती प्रथा का वर्णन हमें भानुगुप्त द्वारा लिखवाए गए एरण अभिलेख से ही मिलता है। तो यह इंपॉर्टेंस इसकी थी। अब नौवां शासक, लेकिन भानुगुप्त के बाद ही यह शासक नहीं हुआ था, यह है गुप्त वंश का अंतिम शासक जिसका नाम है विष्णुगुप्त। इस वीडियो का नौवां शासक होगा, लेकिन क्रमिक तौर पर गुप्त वंश का नौवां शासक नहीं था, यह मत सोचना आप लोग। यह अंतिम शासक है, इसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्योंकि प्रश्न बनता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। अच्छा, जितने वंश मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोगों से हो सके तो उन सभी वंश के अंतिम शासकों का नाम आप लोग लिख के बताइएगा कमेंट में। ठीक, तीन ही प्रश्न दे रहा हूं, ज्यादा नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कॉमेडी कर रहा हूं। प्रश्न वही पूछ रहा हूं जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना है एग्जाम्स में। तो जितने वंश मैंने, जैसे मौर्य वंश का बताइएगा, उसके बाद शक का, कुषाण का, पहलव का, शुंग वंश का, इन सबका बताना है आप लोगों को। जितने भी वंश मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, उन सबके अंतिम शासक का नाम। सुदर्शन झील का निर्माण पहली बार किसने करवाया? और उसके बाद देखिए, मैं यहां भूल गया था, याद आया, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया था यहां पर, सॉरी, याद रखिएगा आप लोग, सुदर्शन झील की मरम्मत इसने करवाई थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा, सॉरी मैं भूल गया था। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, मैंने आप लोगों से प्रश्न ही पूछा है, लेकिन मैं बता देता हूं यहीं पर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, और कहां पर उसके बारे में पता लगता है, तो गिरिनार के अभिलेख में, जिसे जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं, गुजरात का एक प्रांत था गिरिनार, जहां का सूबेदार था कौन? पुष्यगुप्त, उसने इस झील का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे चल के एक शासक है जिसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद सुदर्शन झील की मरम्मत फिर से होती है, वो स्कंदगुप्त करवाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, विष्णुगुप्त के बारे में हम लोग देख रहे थे, इसका जो टाइम पीरियड है 550 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है विष्णुगुप्त की। तो गुप्त वंश का शासन 550 ईसा पूर्व में, सॉरी, ईस्वी में समाप्त हो जाता है। और यह कौन था? यह अंतिम शासक था। यार देखो, आप लोग देख रहे हो हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री का लेक्चर आप लोगों को सही तरीके से समझना है तो वीडियो में लास्ट तक तो आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट भी आपको चाहिए, नोट्स भी लिखना है, लेक्चर भी सुनना है, जिससे कि चीजें याद हो जाए। तो जिस तरह से हमारी स्ट्रेटजी चल रही है, इसी तरह से चलेगी। वीडियो एंड हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ी बात करना चाहूंगा। देखिए क्या हो रहा है कि आप लोगों की संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है, क्यों हो रही है मुझे पता नहीं है। आप लोग कुछ बताते भी नहीं हो कि क्या हुआ है, और अचानक से वीडियो देखना भी बंद कर देते हो, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जाया न जाए। क्योंकि अगर मैं इतनी शिद्दत से क्लास ले रहा हूं, तो आप लोगों का भी यह दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दिया करें, ना हो तो आप लोग कम से कम क्या करिए। अच्छा, मैंने एक चीज देखा है, आप लोग नोट्स बनाते हो, नो डाउट, मैं पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, कल को जब आप एग्जाम देके आएंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं कमेंट्स में, आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते हो। ऐसा क्यों? क्या पता आप लोग पूरे सर्वज्ञ हो चुके हो, या फिर मैं ऐसे कंटेंट दे रहा हूं कि आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये आई डोंट नो। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हिस्ट्री ही, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, बताना मेरा काम है, आप लोग किस तरह से लेते हैं यह आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो और चीजें समझ में आई हो तभी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, मैं इतनी बात बोलता हूं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।